हम हैं के एफ और आप देख रहे हैं CCI कॉर्न सिटी इंडिया। पीसी स्केल फाउंडेशन यूनिकॉर्न क्लब वूलन केयर प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमारा जो वूलन कपड़ों का डोनेशन हम प्राप्त करते हैं, लेते हैं और उसे प्रॉपर व्यवस्थित करके जरूरतमंद तक पहुंचाने का जो संकल्प हमारा है, इस क्रम में हमारे छिंदवाड़ा शहर के प्रतिष्ठित परिवार से हमारे अभिन्न साथी भाई केकिन शाह जी ने हमसे संपर्क किया और आपने ही अपनी इच्छा व्यक्त की कि वूलन केयर प्रोजेक्ट जो हमारा है इसमें आप अपना सहयोग प्रदान करना चाहते हैं। साथ ही आपने भी ये सुझाव दिया कि दीपावली के अवसर पर ऐसे बहुत से कस्टमर होते हैं और बहुत सारे आपके परिचित और साथी होते हैं जो भी इस हमारी मुहिम में अपना सहयोग प्रदान करना चाहते हैं, और तो ये भी जिम्मेदारी आपने स्वयं होकर आगे ली है, तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आपका। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि ये हम अदर व्यापारी को भी जो है मोटिवेट कर रहे हैं और साथ में अपनी शॉप से बिल्कुल फ्रेश कपड़े हमको दे रहे हैं, और इनकी जो भावना है सेवा भावना वो बहुत ही माने दिल को छू लेने वाली है, और मैं अपेक्षा करती हूँ मैम से कि इस भाव को आप आगे और बढ़ाइए जिससे कि और लोग भी मोटिवेट होके इस जनसेवा के कार्य को करें और हमारा जो कीर्तिश केयर फाउंडेशन का वूलन केयर प्रोग्राम है सक्सेस हो। भाई ऐसा है कि देखो, पुराने तो हर कोई देता है मगर नए देने के लिए हमारे बेटे की इच्छा हुई तो हमने कहा बिल्कुल दे दीजिए। हमने उसको एक बार भी मना नहीं किया, हमने कहा बिल्कुल पहले यही काम जरूरी करो, और काम आए वो बच्चों को ठंडे में काम कपड़े आए, ठंड के कपड़े तो बहुत ही अच्छी बात है। अभी तक तो हर घर में जाकर के इस मुहिम को चलाया जा रहा है और कपड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं, जैसे उन लोगों से लेते हैं फिर उनको धोया जाता है, उनको साफ़ किया जाता है, जो फटे हुए हैं उनको सिलाई की जा रही है, और इसी मुहिम में मैम का एक साथ मिला है, दुकान से एकदम फ्रेश कपड़े मिल रहे हैं। अगर ये ऐसा कर रही हैं तो इनको देखते हुए हम चाहते हैं कि बाकी व्यापारी भी, बाकी दुकानदार भी इस मुहिम का हिस्सा बने। सर जी, सोच ये है कि जो गरीब बच्चा है, जो उनके माँ बाप अफोर्ड कर नहीं सकते हैं, उनको अच्छी क्वालिटी के कपड़े दिए जाएं, और सर जी के थ्रू, नितिन फाउंडेशन के थ्रू जा रहा है तो अच्छे से अच्छा चीज़ मिले उनको, वही एक उद्देश्य है। वैसे तो मैं KKF से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हूं, लेकिन नितिन भाई जो कि इस तरह से बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं और KKF के माध्यम से पूरे शहर के अंदर में जो एक मुहिम चलाई जा रही है, ये वाकई बहुत सराहनीय है। और मेरी तो बात छोड़िए, मैं समझता हूं कि पूरे शहर के लोग जो समाज सेवा की तरफ रुचि रखते हैं उनको इसमें शामिल होना चाहिए और ज़रूरतमंदों के लिए उनको अपनी तरफ से दान देना चाहिए। सिर्फ ऐसे कपड़े जो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं वो नहीं, मैं तो कहता हूँ कि बच्चे आप नए कपड़े दीजिए दूसरों को भी, जो आप खुद पहनते हैं, आप पहनना चाहते हैं उसको भी आप दूसरों को उसके हिसाब से भी नए कपड़े पहनाइए, तो आपको उसकी एक अलग खुशी मिलेगी। और मेरी सोच यही है कि इस तरह की कार्यक्रम होते रहना चाहिए शहर के अंदर में, और KKF को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस माध्यम से जनसेवा में लगे हुए। ये कीर्तिश केयर फाउंडेशन की जो मुहिम है इसमें हम देख रहे हैं कि बहुत अप्रत्याशित रूप से लोग सहयोग कर रहे हैं, और जहाँ तक हमारी
जो यूनिकॉर्न टीम है उनका जो कार्यक्रम चल रहा था कि उसमें हम पुराने वस्त्रों को नए रूप में दे करके साफ करके सिलाई वगैरह करके और जो जिनको देना है उनको हम देना तो चाहते थे, लेकिन जो व्यापारी हैं कुछ हमारे सहयोगी हैं बड़े भाई हैं, जैसे अभी हमारे सामने अखिलेश जी भाई साहब हैं, तो इन्होंने जो अपनी बात रखी है कि पुराने कपड़े तो हर कोई देता है लेकिन नए कपड़े देना एक बच्चे के मन में भी या जिसको भी मिलता है उसको एक बहुत ही खुशी होती है। और इस क्षण को वो कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग इतनी यादगार बैठ जाती कई बातें तो जीवन भर याद रहती है कई बार ऐसी चीज़ें ऐसी खुशियाँ। तो ऐसे पलों को संजोना हमारे आज जो भाई कर रहे हैं बहुत ही अच्छा है और इनसे प्रेरणा लेकर के मैं चाहता हूँ कि हर कोई ऐसा प्रयास करे। भारतवर्ष दानवीरों का देश है, वह देश जहाँ किसी भी संकट काल हो, विपत्ति काल हो या ऐसा कोई भी समय हो जहाँ आवश्यक हो तो दानवीर अपने घरों से निकलते हैं, पुकार पुकार के इस देश के और समाज की नवीन संरचना के लिए आगे बढ़ते हैं। बुजुर्गों ने कहा है कि पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम और दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानों काम। कहने का आशय यह है कि यदि ऊपर वाले ने आपको देने वालों की श्रेणी में रखा है कि तो दोनों हाथों से खोलकर दान दीजिए, यही सयाना यानी समझदारी का काम है। हम कीर्ति स्केयर फाउंडेशन की ओर से हमारे बड़े भाई अखिलेश खंडेलवाल जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। अखिलेश खंडेलवाल जी, आपका पूरा परिवार का, कि आपने इस मुहिम में एक हाथ आगे बढ़ाकर हमारा हाथ थामा है और आपने हमें यह भी वादा किया है कि आगे जैसे हम कपड़ों का रिसाइकिलिंग चालू करेंगे तो बच्चों की यूनिफॉर्म इत्यादि वगैरह की जो भी मटेरियल होते हैं आप एक दिल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस मुहिम के साथ। बहुत बहुत आभार श्री अखिलेश खंडेलवाल जी। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे।